राज्य सरकार के द्वारा स्कूल न खोलने का निर्णय अनुचित है, पुनर्विचार किया जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्कूल न खोलने से जो स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं वो नाराज हैं। राज्य सरकार के द्वारा स्कूल न खोलने का निर्णय अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जारी है। खनियाधाना में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के निर्देश पर ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान ने आज सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ तहसीलदार खनियाधाना और बीओ खनियाधाना को ज्ञापन सौंप कर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही कहा कि यदि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल के हित में कोई कदम नहीं उठाती है तब मजबूर होकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, आज जो हमारे मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसकी तरफ से पूरे मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल्स बंद किए गए है ना, जो हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे उसे भी बंद किया गया है। और हम सरकार की इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई आपने सब कुछ ओपन कर दिया है, बाजार खुले हैं, हर चीज़ खुल चुकी है, लेकिन स्कूल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एक बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसका फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ है ना, आपका उधर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि इससे पहले भी स्कूल सितंबर मंथ में खोले गए थे और 5 महीने तक लगभग पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल खुले जहाँ से किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है ना, तो स्कूल खोले जाना चाहिए। रहा तीसरी वेव आने का जो बात करें कि भाई थर्ड वेव आएगी उसके बाद स्कूल खोलेंगे, तो ये इस बात का क्या गारंटी है थर्ड वेव आएगा।